महंगाई के मारे वहां पर गैस बम गिराने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न गैस ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांग लिया। गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा या नहीं, ओग्रा आज फैसला करेगी। गैस की कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक मजीद इजाफा होगा। एक साल में इससे पहले गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। रेकोडेक मंसूबे पर काम करने वालों की मुकम्मल सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। मंसूबे के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेकोडेक मंसूबे के हवाले से अहम इजलास। रेकोडेक रोड एंड रेल कनेक्टिविटी पर आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग तलब। सब्ज बाग दिखाने वाले लोग नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई की शरह को आइंदा साल कम करके 10% तक लाएंगे। कीमतों पर कंट्रोल करना जिला इंतजामिया का काम है। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार राणा तनवीर हुसैन का यूटिलिटी स्टोर शादमान का दौरा, अशिया की फराहमी और कीमतों का जायजा लिया। माह रमजान में भी महंगाई की लहर बरकरार, आवाम को रिलीफ का इंतजार। प्यास आम आदमी की पहुंच से दूर, नर्ख में 40 रुपए फी किलो इजाफा। मार्केट में 200 से 250 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अदरक 700, लहसुन 660, टमाटर 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त। फूल गोभी और बंद गोभी 120, लीमू देसी 280, आलू 70 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। खजूर ईरानी 650, सेब 400, पपीता 320 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है।